आज हम आपको सिखाएंगे किसी भी नंबर को 5 से गुना कैसे करते हैं। आपको पता है अभी किसी भी नंबर को अगर जो 10 से गुना करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है। उस नंबर के लास्ट डिजिट के बाद हम जीरो लगा देते हैं। जैसे अगर जो 24 को 10 से गुना करें तो 24 के बाद एक जीरो लग जाता है। तो 10 से गुना करना बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई डेसिमल संख्या है, डेसिमल नंबर है 12.25, सपोज 12.25, तो आपका डेसिमल एक राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है अगर जो हम उसको 10 से गुना करते हैं। दूसरी चीज, अगर जो आपको पता है अभी जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 10/2। 10 को 2 से भाग करेंगे तो भी आपके पास 5 ही आता है। आइए इसी फार्मूले को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास पहला नंबर है 24, जिसको आपको 5 से गुना करना है। तो इसको हम आपको बताया अभी जो 5 है उसको हम 10/2 भी लिख सकते हैं। अब 10/2 लिखते हैं तो 24/2 जो हमारे पास होता है वो होता है 12। 12 × 10 जो होगा वो हमारे पास होगा 120। तो 24 × 5 क्या आया? 120। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 148 × 5 कर रहे हैं। तो सीधा सा तरीका है भी 148 को 2 से भाग करें और 10 से गुना कर दें। 148 को 2 से भाग करते हैं तो आपके पास आता है 74। 74 इसको 10 से गुना करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 740। अब इसी चीज को आपको मेंटल मैथमेटिक्स में यूज करना है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो मेंटली करने हैं। डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है फर्दर के क्वेश्चन। अगर हम 642 642 × 5 करते हैं तो 642 का आपको हाफ करना है। 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, और आप 0 लगा दीजिए तो ये आपके पास सीधा आंसर आ जाता है 642 × 5। अगला क्वेश्चन आपके पास है 1224 × 5। इसको सीधा सा हाफ करिए, 1224 को अगर जो हाफ करते हैं तो 612 आता है। उसके आगे 0 लगा दीजिए तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अगला लेते हैं 8016 × 5। 8016 को अगर जो आप 2 से भाग करते हैं या उसका आधा करते हैं तो आपके पास आता है 4008। इसके आगे आप 0 लगा दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 18472। 18 का आधा आपके पास होता है 9। 472 का 400 का आधा होता है 200 और 72 का आधा होता है 36, और इसके आगे आप 0 लगा देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है 5 से गुना करने के लिए।